परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु वरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ओमारम। बंधुओं और बहनों, आज के इस विशेष सत्र में हमारे साथ कोटा से संजीवनी गौतम जी हमारे साथ जुड़ी है। संजीवनी जी से हम बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी संघर्षमय जीवन के बारे में बात करेंगे और वो हमें तीन बातें बताने वाली है, ज्ञान की बातें, तीन बातें बताएंगी। उन बातों को फॉलो करके हम कैसे अपनी जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी हम सुनेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारा आज का विषय भी रखा है हमने ज्ञान की तीन बातें, और अलका जी सांखला हमारी कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो मैं अलका जी से निवेदन करना चाहूंगा, अलका जी आप आज का सेशन शुरू करें और आप सभी भाई बहनों से निवेदन अपना अपना वीडियो ऑन करें और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अलका जी का स्वागत करें, संजीवनी जी का स्वागत करें और हमारे साथ कोल्हापुर से शिल्पा गांवकर हमारी जानी मानी शिक्षिका हमारे साथ जुड़ी है, वो हमारे इस वार्तालाप में होने वाली है। तो ये त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम तीन संस्थाओं द्वारा एक साथ लिया जा रहा है। नंदन अलका जी, यू मे स्टार्ट नाउ। जय चिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारे साथ जुड़ी है वो लड़की, कितनी सुंदर लग रही है, वाह, उसका चेहरा देख के हमको कितना सुंदर लग रहा है। संजीवनी, जिसका नाम भी संजीवनी है, और ये संजीवनी की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, युवा अवस्था में एक लड़की जब अंध हो जाती है, देखिए 18-19 साल की उम्र ये लड़की अंधी हो गई, पर देखिए इस लड़की ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो कहां से कहां पहुंची है ये लड़की, आज वो ग्रैंड मास्टर है रेकी की, वो भी वाओ, रेकी तो कितने ग्रेड्स होते हैं और उसने सारे ग्रेड्स भी पार कर लिए। मतलब कहां से कहां पहुंची है ये संजीवनी और किस अवस्था में पहुंची है, सुनते ही आपके चेहरे खुश हो रहे हैं, अर्चना जी तालियां दे रही है और बहुत कुछ हो चल रहा है, वाओ। सभी एक बार ओपन करें अपने वीडियो, देखिए उसको, देखे उसको देखने के लिए तो आप कांता जी, संजय जी, और उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज 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 सभी वीडियो ऑन करके देखिए संजीवनी। देखो, संजीवन बड़ी भाग्यवान है क्योंकि व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब उसको परिवार का साथ होता है। परिवार सब कुछ है, आदमी अकेला नहीं रह सकता। अगर परिवार ने साथ दिया तो संजीवनी बन सकती है, अगर नहीं दिया तो वो मातिमुल भी हो सकती है। संजीवनी ऐसे भी भाग्यवान है कि इतने अच्छे भाई, इतने अच्छे
पिता माता ने लेके जो सतत पॉजिटिव ऊर्जा उसको देते रहे। और इसकी आंखें क्यों गई, इसके पीछे हम नहीं जा सकते, क्योंकि कभी कभी कर्मों के भोग होते हैं, वो भोगने ही पड़ते हैं। तो अंधे के रूप में इनको ये भगवान ने देन दी, पर उन्होंने उसको उपहार के रूप में लिया। वो हरी नहीं, हरी नहीं, वो उसने उपहार के रूप में लिया। और कितना कुछ कितना कुछ कितना कुछ सीखती रही, उसके बारे में जानने लगी, तो मैं थक गई जानते जानते। क्योंकि एनएलपी किया है, एनएलपी के साथ पेरेंटिंग किया है, पेरेंटिंग के साथ रिलेशंस डेवलप करते। पता नहीं ये लड़की क्या क्या कर रही है। ये नाम से ही मुझे लगता है इसके जीवन में पूरी संजीवनी भरी है। कोई भी चीज आए तो ये संजीवनी काम करने वाली है, और ये संजीवनी उभर कर सामने आने वाली है। और हमारे भाग्य भी थोर है कि सूरत की एक गरिमा है हमारे ग्रुप में, उसने हमें इसके बारे में बताया। और आनंद भाई जी को जैसे ही पता चलता है, आपको पता ही है वो कैसे उस व्यक्ति को एकदम पकड़ के बांध के रखते और आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार संजीवनी आज हमारे काम आई है। मुझे लगता है उसके बारे में बहुत कुछ बताने से पहले अच्छा है कि उसको ही प्रश्न पूछेंगे। सब प्रश्न पूछेंगे, शिल्पा प्रश्न पूछेगी, आनंद भाई जी प्रश्न पूछेंगे, और आप भी प्रश्न पूछिए जो भी आपके मन में आ रहा है। कैसे हो गई ऐसे, कैसे तुम आगे बढ़ गई। अशोक जी पूछेंगे, रतन जी पूछेंगे, तो सभी व्यक्ति क्वेश्चन पूछते रहेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो आज ये रहेगा संवाद, ये केवल संवाद है, एक सुसंवाद है, एक आपस में चर्चा है, एक दूसरे को परिचय है, एक दूसरे को जानना है। और ये अपने परिवार में आ गई है, अब सब मिलके उसको आगे लेंगे। और रविवार को अगले बहुत बड़ा दूसरा एक प्रोग्राम इसका सुनेंगे, क्योंकि ये बहुत प्रकार के ध्यान कराती है, बहुत प्रकार के ध्यान कराती है। तो हमें भी जानना है कि कौन से ऐसे और भी ध्यान है, क्योंकि हमें सब प्रकार के ध्यान को जानना है। और जल्दी मैं एक नया सीरियल शुरू करने वाली हूँ ध्यान पर, दुनिया के सारे ध्यान के बारे में हम बात करते रहेंगे। तो यस शिल्पा ने यस कर दिया है, आप सब भी खुश हो जाएंगे। तो आज तो केवल संजीवनी संजीवनी छाई हुई है, संजीवनी का चेहरा देखकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई हीरोइन बैठी है हमारे सामने, ऐसा लग रहा है कोई देवी बैठी है हमारे सामने, ऐसा लग रहा है कोई एक महान आत्मा हमारे सामने बैठी है। तो तीन बातें, बातों बातों में मैंने कल संजीवनी को पूछा कि क्या बताएंगे हम लोगों को, ऐसा कुछ बताओ ना कि जिससे हमें प्रेरणा मिले। तो तुरंत संजीवनी ने क्या कहा, सबसे पहली बात तो गलती तो होती है, आंखें गई वो मेरी गलती से गई, या डॉक्टर्स की गलती से गई, या किसकी गलती से गई पता नहीं। फिर हम अगर रोते ही रहेंगे, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने जल्दी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई। अपने को दोष मत दो, दूसरे को भी दोष मत दो। सबसे पहला उनका ये तत्व अच्छा लगा, माफ कर दो अगर आपने भी गलती की। नहीं तो हम छोटी सी गलती अपने होती है ना, जिंदगी भर पछताते रहते हैं और उसी में हम पिछड़ जाते हैं। तो अपने आप को माफ करने से देखो आप कितने आगे बढ़े, और दुनिया को भी माफ करो। किसी ने आपको जन्म भर सताया है, फिर भी बोलो भगवान इसको माफ कर दो, भी बेचारा अज्ञानी है, वो कर्म बांध रहा है, उसके कर्म भी मत बांधो, उसके लिए भी पॉजिटिव थिंक करो। तो ये पहला ज्ञान वो देने की, दूसरा क्षमा करने के ज्ञान के साथ और कौन से ज्ञान देने वाली है वो तो वही बताएगी। क्योंकि मैं ज्यादा समय लूंगी तो हम संजीवनी को कम सुनेंगे ना, तो मुझे ज्यादा समय उसको देना है। तो चलिए आनंद भाई जी, हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम, आज आचार्य महाश्रमण जी का 50वां दीक्षा दिन हम मनाने जा रहे हैं। आज आप देखोगे तो हमारा हॉल खचा खच भरा हुआ है, और प्रोग्राम चालू है उसमें मैं 10 मिनट बाहर आई हूँ, और केवल संजीवनी के लिए, आनंद भाई जी के लिए, शिल्पा के लिए। तो हम त्रिवेणी संगम सुस्वागतम सुस्वागतम स्वागत करते हैं आप सबका, सहर्ष स्वागत स्वागत और स्वागत। एक बार हाथ ऊपर करके बोलो संजीवनी के लिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, आप कैसे बोलोगे, ओके वेरी गुड वेरी गुड, ये वाह 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 संजीवनी, वाह 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 वाह, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस शिल्पा जी, यस थैंक यू अलका जी, आपने शुरुआत तो शानदार की है, आपके आपके अंदाज से। हाँ, जो आपका एक स्पेशल अंदाज है वेलकमिंग, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वो एनर्जी बढ़ाने के लिए। यस
आज का सेशन, आज का इंटरव्यू संजीवनी के साथ हम शुरू करते हैं। आप सब बहुत उत्सुक है पता है, लेकिन कुछ बातें मुझे आपसे करनी है। आप में से कितने लोग जादू में विश्वास रखते हैं, जादू कि जादू सच में होता है, मैजिक इज रियल? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यस, अगर है तो चैट बॉक्स में लिखे यस, वाई लिखा तो भी चलेगा। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट मैजिक इज रियल? बिलीव करते हो मैजिक पे? यस, ओके, यस यस। संजीव ने बहुत सारे यस आ रहे हैं। अशोक जी का, प्रेम जी का, मैजिक रियल है, यस रियल रियल रियल। हाँ, विमला जी बोल रही है मैजिक होता है। हाँ हाँ होता है। हाँ, हम लोग जा रहे हैं अपना यहाँ पे चांद पे, मंगल पे, हमारे यान जा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि मैजिक इज रियल। यस यस होता है, एवरीबडी इज सेइंग मैजिक इज रियल। सो तो अभी ये जो सेशन होने जा रहा है या होने वाला है, तो आपके सामने वो जादू जो करती है, वो जो एक परी है, एंजल है, वो हमारे साथ जुड़ी है। डू यू एग्री? हाँ, तो वो जादू चलाने वाली जादू की छड़ी है और वो घुमा के सब ठीक कर देगी। ऐसी जो एक एंटिटी रहती है, ये जो पावर रहती है, तो ऐसी जादू की परी हमारे बीच है। तो हम सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और जो जादू उन्होंने अपने लाइफ में किया है, उनके साथ जुड़ने वालों को वो सारा ज्ञान ऐसे दे दिया है, तो वो कुछ तीन ज्ञान की बातें वो आज हमारे साथ शेयर करने वाली है, ताकि वो जादू हमें सिखाने वाली है। आर यू एक्साइटेड? हाँ, सभी को वो जादू की बातें सीखनी है। हाँ, तो उसी के लिए हम त्रिवेणी संगम आज जुड़े हैं और संजीवनी से हम बात करने वाले हैं, उनसे सवाल पूछने वाले। जैसे विचार होंगे वो हो जाते हैं। यस यस, थॉट इज अ बेसिक कॉज, यू आर राइट। अलका जी ने जैसे बताया कि बहुत कुछ सीखा है उन्होंने, तो वन बाय वन हम लोग एक एक उनकी जो मोडालिटी है, उनकी जो जो उन्होंने एक्सपर्ट है, वो वन बाय वन हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं संजीवनी से जानना चाहूंगी एक बात। मैं बोलती हूँ कि उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल, वो सब खुद हैंडल करती है। हाँ, तो ये जादू है, राइट? ऑडियो नाउ अनम्यूटेड अलर्ट। अभी आई दीदी आवाज? यस यस, अभी आवाज आई है। सो जादू की तीन बातें, ज्ञान की तीन बातें हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं संजीवनी जी से। उनका जैसा नाम है संजीवनी, तो उनका लाइफ पूरा वैसा है। ये संजीवनी सबसे पहले इन्होंने खुद को दी है, पॉइंट क्लियर? जो मैजिक है उन्होंने पहले खुद पे किया है, अपना ही मैजिक। सो ये मैजिक की जर्नी जो है, हाँ, फ्रॉम द एज ऑफ 18 अप टिल नाउ, जो इन्होंने फुल उनमें एस्टैब्लिशमेंट किया है, वो एस्टैब्लिशमेंट करते हुए उन्होंने खुद को कैसे ट्रेनिंग दिया, या उन्होंने कैसे उसको हैंडल किया, उनके इमोशंस, ये सारी बातें हमें बहुत बहुत प्रेरणादायक है। हाँ, सो संजीवनी जी, आपसे हमें ये जानना है कि जीरो से लेके या उसके भी नीचे गए हुए मेंटल स्टेट से, फिजिकल स्टेट से, एक एस्टैब्लिश, एक पावरफुल, एक दूसरों के लिए काम करने वाली, एक प्योर सोल में कन्वर्ट होने वाली जो जादू आपने खुद पे की, और वो आज जादू ऐसे खुले दिल से आप दुनिया पे निछावर कर रही है, वो जर्नी में आपका खुद को ट्रेनिंग देना कैसा रहा? और दैट इज, वी आर गोइंग टू लिसन, वी वॉन्ट टू लिसन। सो प्लीज संजीवनी जी। प्रणाम सभी को, प्रणाम आनंद सर को, अलका जी को, शिल्पा जी को, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के सामने आ पाऊँ और अपने बारे में बता पाऊँ। मेरा नाम संजीवनी गौतम है और 17-18 साल तक मैंने भी वही जिंदगी जी है, साधारण, जो सभी जीते हैं। फिर अचानक से कुछ ऐसा मोड़ आया जिंदगी में कि मैं बीमार हो गई और धीरे धीरे बेड रिडन हो गई, और धीरे धीरे आंखें, जिसे कहते हैं कि व्यक्ति का 80% जीवन आंखों से ही है, तो वो 80% जीवन मेरा जैसे बंद हो गया, खत्म हो गया।
आंखें चली गई, उसके बाद में मैं पूरी तरह टूट गई कि अभी जीवन में कुछ बचा नहीं। लेकिन कहते हैं ना, एक राह बंद होती है तो दूसरी खुल जाती है। तो उसी तरीके से मेरे पापा के मोटिवेशन से मेरे पापा ने मुझे नहीं टूटने दिया। हालांकि मेरी जो स्थिति थी उसे देख करके मेरा पूरा परिवार टूट गया था, मेरा पूरा परिवार बिखर गया था। क्योंकि एक छोटी बच्ची जो परिवार की होती है वो सबसे लाडली बच्ची होती है, तो उसी प्रकार से मैं भी अपने परिवार की सबसे लाडली बच्ची थी। लेकिन कहते हैं कर्मास तो हमको भुगतने ही पड़ते हैं, तो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा। वो आया जीवन में और मेरी आंखें चली गई। उसके बाद में ट्रीटमेंट चलता रहा। ऐसा समय भी आया कि मन पूरी तरह उदास हो गया कि अभी कुछ नहीं हो सकता। उस समय जब मैं रात को बहुत परेशान थी, टूट गई थी पूरी तरह कि अभी जीवन का कोई मतलब नहीं है, उस समय मुझे मेरे पापा की एक बात याद आई। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा ने पंडिताई करके, कथा वाचन करके हम मेरे बड़े भैया और मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया। बहुत स्ट्रगल था पापा के जीवन में, लेकिन पापा हमेशा कहते थे कि बेटा जो भी होता है जीवन में बहुत अच्छे के लिए होता है। बस ये एक लाइन, उनकी ये एक लाइन मुझे आप लोगों के सामने तक ले आई। मेरे पापा हमेशा कहते थे कोई बात नहीं बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस रात को मैं पूरी तरह टूटी हुई थी। मैंने पापा से कहा, पापा आपकी लाडली बेटी की आंखें चली गई, बताओ क्या अच्छा हुआ, बताओ इसमें क्या अच्छा है पापा, बताना जरा। मैं थोड़ी सी जिद्दी हूँ तो मैं पीछे पड़ गई पापा के। पापा ने मेरे सिर पे हाथ रखा, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है और हम नहीं समझ पाते कि इसमें क्या अच्छा है, लेकिन मेरा बच्चा इसमें बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तू विश्वास कर, तू शिव को मानता है ना, तेरे शिव पे विश्वास कर। उस दिन रो रो आकर मैं सो गई। दूसरे दिन मेरे भैया को रेकी हीलिंग के बारे में पता चला। उन्होंने रेकी हीलिंग सीखी, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करना शुरू किया। धीरे धीरे मुझ में इम्प्रूवमेंट आ गया। मैं बेड रिडन थी, मतलब ये बोलने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी कि मेरी मम्मी ने जितनी मेरी सेवा की है, भगवान मेरे माता पिता जैसे माता पिता सबको मिले। लेट बात वगैरह सब कुछ मेरा बेड पर होता था और मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई सब मुझे बहुत प्यार से संभालते थे। मैंने रेकी भैया के उपचार के बाद में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आने लगा। मेरे भैया मुझे सत्संग के ऑडियोज मेरे बेड पर लगा देते थे, चला देते थे, वो मैं सुनती रहती थी। धीरे धीरे इतना इम्प्रूवमेंट हुआ कि आज मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। आज मैं लोगों को रेकी सिखा रही हूँ, लेकिन मेरा जो पहला शक्तिपात हुआ है वो लेट हुए हुआ है। उसके बाद में मेरा शक्तिपात हुआ, उसके बाद में मैंने हीलिंग खुद भी सीखी। जो लड़की लेटी हुई थी, बैठ नहीं सकती थी, वो बैठने लगी। मैं धीरे धीरे बैठ बैठ करके चलने लगी, फिर मैं खड़ी होकर के चलने लगी। आज मुझे कोई रोग नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं तो मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती। मुझे जुकाम हो जाता है, कभी गला खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा क्लासेस होती है तो बोलते बोलते गला थोड़ा खराश हो जाती है, खराब हो जाता है। अपने आप में हीलिंग करती हूँ, ठीक हो जाता है। मैं कोई मेडिसिन नहीं लेती। पिछले 10 सालों से मैंने कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन नहीं ली है, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी है। और मैं आप लोगों को भी कहूंगी कि अगर लगातार आप इस विद्या को अपनाते हैं तो ये समय आ जाता है कि हम बिल्कुल ठीक रहने लगते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो मेरे परिवार के मार्गदर्शन से मैंने अपने आप को वापस से खड़ा किया। मेरे रिश्तों की वजह से मैंने अपने आप को खड़ा किया, या मेरे अंदर वो इच्छा थी जो मेरे पापा ने मुझे कहा कि बच्चे अकेले खुद के लिए तो सभी जीते हैं, जीना तो दूसरों के लिए है। जब मैं ठीक हो गई तो मेरे पापा ने मुझे एक ही बात बोली कि बेटा आज से वो काम करना है जिससे आप दूसरों की सेवा कर सको, दूसरों को खुशी दे सको, दूसरे को प्रेम दे सको,
और आज मैं वही कर रही हूँ। आज मैं लोगों को रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, रेकी सिखाती हूँ, मैंने एनएलपी किया है, एनएलपी कोच हूँ, वेलनेस कोच हूँ, रिलेशनशिप कोच हूँ, पेरेंटिंग कोच हूँ। मैंने एनिमल टोटम का कोर्स किया है, एनिमल टोटम स्वर विज्ञान और स्विच वर्ड का कोर्स किया है। ये सब कोर्सेज मैं अपनी क्लासेस में लेती हूँ, सिखाती हूँ। इसके साथ साथ में मेरे मॉर्निंग मेडिटेशन एंड इवनिंग मेडिटेशन की क्लासेस रेगुलर चलती है। तो मेडिटेशन भी यूनिक मेडिटेशन मैं आपको करवाती हूँ। अगर समय मिलेगा तो हम साथ में बैठ करके मेडिटेशन भी करेंगे। तो शिल्पा दीदी, और कोई क्वेरी है या फिर शुरू करें हम? हाँ, और एक बात मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि रिलेशनशिप हीलिंग भी आप करती हो। हाँ, तो रिलेशनशिप हीलिंग ये एक तरीका है ही, और बैलेंसिंग और हार्मनी आ जाए रिलेशनशिप में, ये एक तरीका है। लेकिन एज अ पर्सन, या आप बोल सकती हैं कि थॉट हीलिंग, मतलब मैं अपने विचार बदल के भी खुद को हीलिंग कर सकती हूँ, तो हर किसी ने वो क्या बातें समझनी चाहिए सो दैट उनके रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस हो जाए, हेल्दी हो जाए। मतलब मेरी क्या जिम्मेदारी रहती है व्हेन आई एम इन टू एन नंबर ऑफ रिलेशंस, मैं मेरे रोल है, मैं माँ हूँ, बहू हूँ, या फ्रेंड हूँ, या टीचर हूँ, हर किसी रिलेशन रोल में मैं हूँ, तब मुझे ये इस बहुत सारे रिलेशंस मुझे संभालना है, तो मेरी एज अ पर्सन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है? जो हम आज बात करेंगे, सकारात्मक कैसे बने, ये जो तीन बातें हैं, ये अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में मिरेकल होगा। और ये रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए भी बहुत बहुत प्यारी बातें हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो शिल्पा दी, आगे जो तीन बातें हम सीखने वाले हैं वो हमारे रिलेशनशिप को तो बेटर करेगी ही करेगी, साथ में हमारी बहुत सारी ऐसे हर्डल्स है, जैसे फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर हमें पीस मिलेगा, फिजिकल लेवल पे हम हेल्दी होंगे और रिलेशनशिप भी हमारे बेटर होंगे। ये तीन चीज़ें यदि हम जीवन में अपना लेते हैं तो वही शुरू करें फिर। तीन बातें जो मैं बताने वाली हूँ अगर आप कहें तो। यस यस यस, प्लीज आप शुरू करें, वी आर ईगर टू लर्न द टेक्निक। मैं एक बीच में प्रश्न में पूछना चाहूंगा, जैसा कि संजीव जी ने बताया भाई, उनकी जीवन में उनकी प्रेरणा पिताजी से मिली, पिताजी ने उनको प्रेरणा दी, तो प्रेरणा के अलावा हमारे जीवन में संकल्प शक्ति भी काम करती है। एक अपना खुद का संकल्प होना जरूरी होता है, अपने खुद की एक संकल्प शक्ति भी काम करती है। इन विपरीत परिस्थितियों में संकल्प शक्ति का मजबूत होना कितना आवश्यक होता है, इस बारे में हम पूछना चाहेंगे संजीवनी जी से। तो संकल्प, आपने भी मन में कुछ एक संकल्प बनाया होगा, कुछ एक आपने टारगेट बनाया होगा, लक्ष्य बनाया होगा उस लक्ष्य को हासिल करने का, तो संकल्प शक्ति के बारे में आपका क्या कहना है? संकल्प शक्ति के बारे में मैं इतना कहूंगी कि संकल्प शक्ति बहुत जरूरी है, और संकल्प शक्ति के बारे में हम सुनते भी बहुत ज्यादा है। जैसे छोटी छोटी हमने ये संकल्प लिया, फिर वो उसे तोड़ दिया, फिर उसके बाद दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, ऐसा क्यों होता है? संकल्प यदि आप प्रगाढ़ करना चाहते हैं, संकल्प भी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी का ही स्वरूप है। यदि आप उसको प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो आप एक प्रयोग कर सकते हैं कि आप अपने संकल्प को पहले छोटे छोटे से संकल्प ले। जैसे कि उस वक्त मुझे पापा ने कहा कि बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैंने सबसे पहले उनकी बात को एक्सेप्ट किया। उसके बाद में अपने मन में एक प्रगाढ़ संकल्प लिया कि यदि ये बहुत अच्छा है तो मैं इसके साथ में रेडी हूँ। जो मेरी आंखें चली गई है, मैं उसके साथ में एक ऐसा मोटिवेशन बनकर के लोगों के सामने आऊंगी कि लोग मुझे देखते ही जो टूट गए हैं उनकी हिम्मत फिर से बन जाए, फिर से वो बंद करके खड़े हो जाए। तो ये संकल्प की ही पावर है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम शुरुआत में ही बड़ा संकल्प ले लेते हैं, अब तो मैं डेली 5 बजे उठूंगा और 1 महीने तक मैं 5 बजे उठ करके एक्सरसाइज करूंगा। फिर हम उठते कितने दिन है? 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, फिर हम 5वें दिन यदि कोई आकर के हमें देखे तो हम सोते हुए मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एकदम से बड़े संकल्प की पावर नहीं आ पाती है।
छोटे 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 संकल्प जब हम पूरे करते हैं तो उनकी एनर्जी जब हमें मिलती है, आपका छोटा सा संकल्प पूरा हुआ। जैसे आपने एक संकल्प लिया, कल सवेरे में 5 बजे उठ करके मेडिटेशन करूंगा, बस कल सवेरे आप आराम से उठेंगे, मेडिटेशन भी करेंगे, उसके बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, अरे वाह मैंने छोटा सा संकल्प पूरा कर लिया। उसके बाद में हम 3 दिन का संकल्प लेंगे, उसे भी हम पूरा कर लेंगे। फिर उसके बाद में धीरे 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 क्या होगा कि हम 11 दिन का, फिर 21 दिन का संकल्प लेंगे। 21 दिन का संकल्प यदि हमारा पूरा हो जाता है, और वो हो ही जाता है जब हम छोटे छोटे संकल्प लेते हैं, उसके बाद हम 3 महीने का संकल्प लेंगे, उसके बाद 6 महीने का, और वो पूरे होते चले जाते हैं, क्योंकि संकल्प की ऊर्जा हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। संकल्प बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर ने बताया उस हिसाब से तो संकल्प से ही सिद्धि मिलती है। संकल्प ही नहीं होगा मन में तो सिद्धि भी नहीं मिलेगी, लेकिन संकल्प की जो पावर है वो कैसे बढ़ेगी, छोटे छोटे संकल्प लेने से बड़े संकल्प पूरे होने लगेंगे। हमारे हम तो अभी ज्ञान की 3 बातें हमें बताने वाली है, हमें उत्सुकता है उन 3 बातों को जानने का। तो आप में से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हो तो एंड्राइज कर सकते हो, एंड्राइज का ऑप्शन है आपके पास, आप एंड्राइज कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, उसके बाद में हम 3 बातें भी जानेंगे। रतन बेंगाड़ी जी ने हैंड राइज किया, रतन जी यस अनम्यूट कीजिए अपना आप। ओम हाँ, ओम आराम। जय आराम। जिनेंद्र। संजीवनी जी के जीवन में जो घटना घटी और उनके पिताजी ने उनको एक प्रेरणा दी कि ये जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है, और उसके बाद आपने एक संकल्प लिया, तो क्या इस बीच में कभी ऐसा हुआ कि कभी कोई निराशा का भाव कहीं आया हो, कहीं ऐसा लगा हो कि ये कैसे होगा, इतनी बड़ी जिंदगी है मेरी तो आंखें मेरी चली गई है, क्या कभी ऐसा भाव भी आया, उस भाव को आपने कैसे समाहित किया, ये मेरी जिज्ञासा है। जी जी सर, प्रणाम। ऐसा हमेशा हुआ है और होता है, क्योंकि हम प्रभु के अंश है, प्रभु तो नहीं है, तो कभी कभी जैसे निराशा घेर लेती थी। बहुत बार ऐसा होता था कि कोई मिलने आया, और जैसे कि हमारे रिश्तेदार आते हैं तो वो थोड़ा सा सिंपैथी दिखाते हैं, बेचारे को दिखता नहीं क्या होगा इसके जीवन का, तो टूट जाती थी, दुखी हो जाती थी, लेकिन फिर से अपने आप को संभालती थी। क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने कहा था कि स्वयं के लिए तो सभी जीते हैं, जब हम दूसरों के लिए जीते हैं और वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं तो जीवन फिर कुछ और होता है। तो जैसे ही मैं टूटने लगती, हमेशा अपने आप को ये कह करके संभालती कि नहीं संजीवनी, अभी तुझे बहुत कुछ करना है। ठीक है, वो उनका परसेप्शन है जिन्होंने कहा है, तुझे नहीं टूटना है। हमेशा मैंने अपने आप को खुद सेल्फ मोटिवेट किया, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ। कई बार ऐसी स्थिति आ गई, कई बार मन ऐसा हो गया कि बिल्कुल अब तो खत्म कर लेना चाहिए अपने आप को, अब कोई जीवन का मतलब नहीं है, लेकिन फिर सेल्फ मोटिवेशन से बार बार उठ उठ कर खड़ी हुई कि नहीं, आंखें ही सब कुछ नहीं होती है, एक अंग यदि प्रभु ले लेता है तो और बहुत सारा, बहुत कुछ हमें देता है, बहुत सारे रास्ते हमारे खुल जाते हैं, ऐसा नहीं है। और अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन से संभाल संभाल कर आज आपके पास में, आपके सामने बैठी हूँ। आपका सकारात्मक भाव और आपकी सजगता ने आपको इस मुकाम पर पहुंचाया है, आपको बहुत बहुत हृदय से बधाई, अब आभार, आप मेरे इसी हैं। तरह हाँ, सबका कल्याण करते रहे। सोनल जी ने एड्रेस किया है। सोनल जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सोनल जी जय जय जिनेंद्र। जी जय जी जिनेंद्र। मैं अलका जी का वीडियो देखती रहती हूँ, और उन्होंने कहा था कि उनका एक्सटेंड हुआ और उन्होंने ध्यान करके वो सब ठीक हुआ उनका अभी, तो मैं पूछ रही हूँ कि आप उनकी आंखें चली गई ना कोई एक्सटेंड में, तो वापस ठीक हो सकती है क्या, मतलब ध्यान हो करके सब? देखिए दीदी, क्या है कि मेडिकल जो साइंस है ना, उसके अकॉर्डिंग तो मेरा दोनों आंखों का रेटिना डिटैच हो गया है, और ऑप्टिक नर्व भी मतलब पूरी तरह डैमेज हो गई है। तो
तो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो आंखें नहीं सही हो सकती है, मैं आपको दोनों आंसर करूंगी, लेकिन आंखें ठीक हो सकती है। ये हमारे पास लाइफ के गुरु जी हैं, मैंने मतलब 6-7 गुरुओं से अलग अलग ग्रैंड मास्टर किया। जब मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गई उसके बाद में मैंने सिखाना शुरू किया। तो हमारे पास लाइफ के जो गुरु जी हैं, मैंने पास लाइफ रिग्रेशन किया और उसमें मुझे पता चला कि किस रीजन से आंखें गई है और किस जन्म में गई है। तो अभी मैं आपको रियलिटी बताऊं तो हम सब जानते हैं, हम कर्मास से जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं कि हमें अपने कर्म भोगने होते हैं, है ना। तो अभी जब भी मुझे पता चला कि हाँ आंखें ठीक हो सकती है, लेकिन दूसरा ये शायद मेरा डिसीजन आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने खुद ने डिसाइड किया कि मुझे अभी इस जन्म में आंखें नहीं ठीक करनी है। क्यों नहीं ठीक करनी है? क्योंकि ये जो कर्मा है मैं इसे पूरा भुगत कर जाना चाहती हूँ, पूरा बैलेंस करके जाना चाहती हूँ। क्योंकि इस जन्म में मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स, बहुत अच्छे भैया भाभी, मेरे भैया के बच्चे बहुत सपोर्टिव है, आप जैसे लोग मुझे इस जीवन में बहुत सारे मिले हैं जो हर पल मुझे सहयोग करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं। तो एक बहुत प्यारा सा परिवार ब्रह्मांड में मुझे मिला है, तो मैं आप लोगों के प्यार के साथ ही इस पूरे कर्मा को भोग कर जाना चाहती हूँ, आधा अधूरा नहीं ले जाना चाहती। अभी एफर्ट्स डालेंगे, मेरे गुरु जी भी एफर्ट्स डालेंगे, मैं भी मेहनत करूंगी, दिखने लगेगा, लेकिन देख करके क्या करना है अभी अभी मुझे वो कर्म पूरा बैलेंस करके जाना है। इसलिए मैं अब आंखों को पूरी तरह छोड़ चुकी हूँ कि ठीक है, जैसा प्रभु की इच्छा, जब भी होना होगा, जो होना होगा वो मुझे स्वीकार्य है, इसलिए वो कर्म को अभी मैंने कर दिया उसके काम को। मैं एक बात बोलना चाहूंगी, अभी संजीवनी ने जो आंसर दिया, मन की आंखों से देखने की उनके पास वो ताकत आ चुकी है। हाँ, जो हम लोग नहीं देख सकते वो देख सकती है। ये उन्होंने एफर्ट्स करके लिया है जो उनका खुद का है, मतलब जो भगवान की मर्जी है उसको खुशी से एक्सेप्ट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है उन्होंने, और उन्हें वो बात अभी कुछ मायने ही नहीं रखती है। जो हमारे दिमाग में आती है वो बातें उनके दिमाग से कब की जा चुकी है। उनका अभी इंटेंशन लाइफ का, उनका एक्शन जो है वो बहुत बड़ा है। तो जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत आगे की सोच उनकी मन की आंखों से उनका थर्ड आई एक्टिव हो चुका है। सो वो मायने ही नहीं है उसके बारे में। उनको हीलिंग टेम्पल करवाना है, बहुत बहुत आगे उनको लेके जाना है। सब अपने परिवार वालों को, हाँ, उनके जो भी कांटेक्ट में है सबकी भलाई वो अपनी वो बलबूते पे करने की कोशिश कर रही है। दैट्स वाई वो मैटर। वो अभी हम भी आगे जब उनके साथ रहेंगे वो सोचना नहीं है, तो वो उससे ऊपर आ चुकी है। संजीवनी जी, आपका जो सोल है वो इतना प्रोग्रेस कर चुका है एंड वी कैन फील द एनर्जी आपके चेहरे पे। आपके हार्ट जो एक्टिव है ना, वो पूरा ग्लो आपके चेहरे पे है। और एक बात बोलते हैं, हमें तो अपने माँ बाप ने जन्म दिया है लाइफ, मतलब जब हम ये आए पृथ्वी पे, उसके बाद हमारा दोबारा जन्म होता है जो हम खुद को देते हैं, दैट इज फ्रॉम आर हार्ट चक्रा। अगर हमें खुद को बदलना है तो हम अपने को जन्म दे सकते हैं थ्रू आर हार्ट चक्रा। और वो संजीवनी जी ने खुद को एक नया जन्म दिया और खुद को एक नई सोच, नई मुकाम पे ले जाने के लिए, और उन्होंने अपने थर्ड आई को एक्टिवेट किया है। यस, उनकी जो तीन बिल्कुल बातें ज्ञान की है उससे आपको सब पता चल जाएगा कि उनका हार्ट चक्रा, उनका थर्ड आई चक्रा, उनका क्राउन चक्रा, और वो जो वहां से हमें एनर्जी मिलेगी, ब्लेसिंग्स वो हमें डाइवर्ट करेगी। वी आर सो लकी, वी आर ब्लेस्ड टू हैव संजीवनी जी विद अस। संजय जी ठाकुर, जाने माने नेचुरोथेरेपिस्ट, एक प्राकृतिक चिकित्सक, संजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय ठाकुर जी, आप भी ज्ञान का भंडार हो और आप हमारे साथ जुड़कर बहुत सारे सेशन ले चुके हो, तो आप क्या पूछना चाहते हो? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संजय ठाकुर फ्रॉम दरभंगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो ऐसे ऐसे महारथी को यहाँ पे बुलाते हैं कि कहने का नहीं। और कल से आपने जो इनके बारे में कहा है,
और जो अभी सामने में देख रहे हैं बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर भी एक बात जो इनकी जो मुंह से निकला ना, तो मैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा रोकना चाहा और इसके लिए मैं जवाब देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो बोला ना कि हमने छोड़ दिया कि नहीं अभी मुझे नहीं चाहिए, तो ये वर्ड को थोड़ा सा सुधार लें। अभी एक नेचुरोपैथी के चिकित्सा में एक व्यक्ति है जो 374 साल तक जिंदा रहा था, 3 बार बाल गए आए, 3 बार दांत गया आया, बॉडी का ऑर्गेन अपने आप रिपेयर करना चाहता है, रिपेयर कर लेता है अगर रॉ मटेरियल अच्छा दिया तो। अगर ये पे आए, अगर जो भोजन वगैरह कभी हम अकेले बात करेंगे तो इनको सजेस्ट करेंगे, वैसे बहुत ज्ञानी है ये, फिर भी ये होप नहीं छोड़ना है और होता है, कई सारे केसेस ऐसे हो चुका और हमारे साथ ऐसा हो चुका, इसलिए हम लोग बात करते हैं कि नहीं ये सब कुछ संभव है और हो सकता है। भले ही चौथी पांचवी आंख भले ही कोई बना लिया हो, और हमारी एक अभी जैसे पापा की मामी गई है 116 साल में, 15 साल के बाद में उनकी आंख गई थी, 1 साल तक बगैर आंख की रही लेकिन सारा काम खुद खुद कर लेती थी। ओके, तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, गया है भले ही एक्सीडेंट से गया है, वापिस आने का चांस है, अभी भी अगर करेंगे तो कोशिश करने से आ सकता है, इसलिए ठीक कभी छोड़ना है। बाद बाकी आप तो है। नमस्ते मैम, रेकी भी कई प्रकार की होती है, आप कौन सी रेकी है का से आपके ठीक हुए? मैं स्पर्श चिकित्सा की बात कर रही हूँ। स्पर्श चिकित्सा, रेकी हीलिंग, सर्वव्यापी जीवनी शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी की बात कर रही हूँ। ओके, ओमर हम जो ये राम राम की माला से कराते हैं वो रेकी और ये रेकी डिफरेंट है मैम? डिफरेंट ओके, थैंक यू। तो समय हमारे पास थोड़ा ही बचा है, आखिरी सवाल हम ले लेते हैं। रेखा जी, रेखा जी ने हैंड रेज किया हुआ है। रेखा जी, आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ मुझे क्वेश्चन था कि मेरा भी विजन ऑलमोस्ट 70-80% डाउन हो गया है और मेरा धीरे धीरे मैं प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहा हूँ, तो अब जैसे बिजनेस वगैरह नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगर मुझे ये रेकी और सीखना और जो बताया इन्होंने कि स्वर विज्ञान वगैरह, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ अपने जीवन में, इसको कैसे मतलब यूज कर सकता हूँ और कैसे सीख सकता हूँ खुद से? मैं सिखाऊंगी आपको, मैं सिखाऊंगी, मैंने भी कई गुरुओं से सीखी है, मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, और थैंक यू। डेफिनेटली आप इसको रेगुलर बेसिस पे अपना करके करेंगे तो चेंजेस आप खुद देखेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए शिल्पा जी, यू में कंटिन्यू नाउ। तो अच्छे से हम संजीवनी जी को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी जो ज्ञान की बातें हैं वो हमारे अंदर पूरी तरह से रजिस्टर हो जाए। मतलब सामने ऐसे पूरा मोटिवेशन, पूरा एनर्जी का भंडार हमने देखा है एंड नाउ वी आर रेडी फॉर द मेडिटेशन या जो वो करवाएंगी हमसे। ओके, तो इट्स 9:40 एंड संजीवनी को हैंड ओवर करते हैं हम पूरा प्रोग्राम और जो वो देना चाहती है अब। वी आर रेडी टू रिसीव संजीवनी मैम, थैंक यू सो मच इन एडवांस। हम लोग एक अच्छे जर्नी पे है आपके साथ, आप जस्ट गाइड अस टू रीच द डेस्टिनेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आज का हमारा टॉपिक है सकारात्मक कैसे बने या सकारात्मक जीवन में कैसे रहें। इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा हमारी आदत क्या है, हमारी आदत क्या है। अभी मैं आपसे पूछूं कि आपके जीवन में जो स्ट्रगल चल रहा है, आपके जीवन में जो दुख है, जो आपके जीवन में परेशानियां हैं, जो आपके जीवन में पेन है, जिस संघर्ष से आप जूझ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? तो आप लोग कहेंगे मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे नियर एंड डियर्स, मेरे रिश्तेदार, मेरी सासू माँ, मेरी बहू, बहुत सारे रिश्ते आप बता देंगे कि इनकी वजह से मैं दुखी हूँ, इनकी वजह से मैं परेशान हूँ। और बहुत सारे लोग तो इतने ज़्यादा इन चीज़ों से मतलब डूबे हुए होते हैं इनमें कि वो क्या ब्लेम करते हैं, ये जो समाज जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी जाति, मेरा धर्म, और बहुत से लोग बोलते हैं मैं गलत देश में पैदा हो गया। तो ओवरऑल हमारा ब्लेम किस पर रहता है? दूसरे पर।
और हमारा फोकस किस पे रहता है? दूसरे पर। जो भी हमारी सिचुएशन है आज, जिस भी परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, हम क्या कहते हैं? दूसरे की वजह से, उसकी वजह से, उसकी वजह से। आज मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो दूसरे की वजह से। ये सब कुछ गलत है। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, हमारे जीवन आज जैसे भी चल रहे हैं, वो कौन है उसका जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार हम स्वयं हैं। हम स्वयं की वजह से हमारा जीवन ऐसा है। हमारी सोच, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारे संस्कार और हमारे कर्म, उसकी वजह से हम ऐसे हैं। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण, हमारी संगत, ये सब मिलकर के हम बने हैं। और इसी की वजह से जो भी आज हमारे जीवन में परेशानियां हैं, उसका कारण हम स्वयं हैं। हम दूसरे को जिम्मेदारी नहीं दे सकते। क्यों हम स्वयं, इसका कारण है क्योंकि पहली बात, हम दूसरे को नहीं बदल सकते। अगर आप दूसरे की वजह से दुखी हैं तो आप सुखी कब होंगे? जब दूसरा बदल जाएगा। क्या दूसरे को बदलना संभव है? आप सोचें, क्या दूसरे को बदलना संभव है? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दूसरे को बदल ही नहीं सकते। लेकिन यदि हम वाकई हमारी जिम्मेदारी स्वयं की लेते हैं और हम वाकई स्वस्थ होना चाहते हैं, मैं इतना जोर वाकई पे क्यों दे रही हूँ? क्योंकि धीरे धीरे हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, उन दुखों को सहन करने की, उस पीड़ा को, उस बीमारी को भोगने की हमारी आदत हो जाती है और हम उन चीजों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हम अपने आप को केवल बदल सकते हैं, और जब हम अपने आप को बदल सकते हैं और हम अपने आप को बदलते हैं, तो फिर हमारा जीवन बदल जाता है। तो स्वयं को बदलने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? स्वयं को बदलने के लिए सबसे पहले हमें जिम्मेदारी लेनी होगी स्वयं की। जब हम स्वीकार करेंगे कि हम में कमियां हैं, हमारी गलती है, हम अपने आप की वजह से आज जो भी झेल रहे हैं, जो भी परेशानी हमारे जीवन में है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं हैं। जब हम जिम्मेदारी स्वयं की लेंगे, तब हम अपने आप को बदल सकेंगे। तो आज से सबसे पहले जिम्मेदारी हमें किसकी लेनी है? स्वयं की। क्यों? क्योंकि हम स्वयं ही एक ऐसे साहसी व्यक्तित्व हैं जो स्वयं को बदल सकते हैं, हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि हम इतने प्रेमपूर्ण हो जाएं कि दूसरा हमें देख करके बदल जाए। वो, उसे भी हमने नहीं बदला है, वो स्वयं बदलने को राजी हुआ है। उसका खुद का डिसीजन है बदलने का। तो सबसे पहले जिम्मेदारी किसे लेनी है? हमें लेनी है। जिम्मेदारी कैसे लेनी है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार दो दोस्त होते हैं, बहुत दिनों बाद रास्ते में मिल जाते हैं, बिछड़े हुए होते हैं, काफी समय से मिले नहीं होते हैं। तो देख करके एक दूसरे को बहुत खुश हो जाते हैं और उनमें से एक सेल्समैन बन जाता है। तो दूसरा जो दोस्त होता है, वो कहता है कि देखो, मेरा घर पास में ही है, चलो मेरे घर चलते हैं, हम लोग साथ में खाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, मेरे घर वालों से भी मिलना, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, तुम चलो मेरे साथ। सेल्समैन राजी हो जाता है। दोनों दोस्त पहले दोस्त के यहाँ पर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, आराम से एक दूसरे से मिलते हैं और रूम में जा करके बैठते हैं। एक जो सेल्समैन होता है, वो सोफे पर बैठता है जिस पर एक बिल्ली ऑलरेडी बैठी हुई होती है, और दूसरा दोस्त सामने बैठ जाता है बेड पर। जो सेल्समैन होता है, उससे दूसरा दोस्त दोस्त कहता है कि देखो, तुम क्या क्या प्रोडक्ट बेचते हो, तुम क्या क्या प्रोडक्ट सेल करते हो, जरा मुझे भी बताओ, हो सकता है तुम्हारे प्रोडक्ट मेरे भी काम के हो। सेल्समैन खुश होता है, बोलता है, हाँ, मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तुम्हारे लिए भी है, भाभी के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब सेल्समैन एक प्रोडक्ट निकालता है, उठ करके खड़ा होता है, जैसे ही वैसे ही जो बिल्ली उस सोफे पर बैठी है वो एकदम से बोलती है, म्याऊं म्याऊं,
तो सेल्समैन उसकी तरफ देखता है और अपने दोस्त के पास प्रोडक्ट दिखाने चला जाता है कि देख ये तेरे लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तुझे ये फायदा पहुंचाएगा, तुझे वो फायदा पहुंचाएगा। उसको देख करके प्रोडक्ट वापस सोफे पर आकर बैठ जाता है। तो सेल्समैन का जो दोस्त होता है वो देखता है, अरे वाह यार शानदार प्रोडक्ट है, मैं इसे जरूर खरीदूंगा, यूज भी करूंगा, और दिखा भाभी तेरी भाभी के लिए क्या है। वो प्रोडक्ट निकालता है दूसरा और उठ करके खड़ा होता है। जैसे ही खड़ा होता है फिर बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ। तो सेल्समैन से इस बार रहा नहीं जाता, वो कहता है कि ये बिल्ली क्या बोल रही है। तो पहला दोस्त कहता है छोड़ ना उसे, वो तो ऐसे ही, तो प्रोडक्ट दिखा, देखिए भाभी के लिए कितना अच्छा प्रोडक्ट है। वो देखने लगता है, फिर आकर के सेल्समैन सोफे पर बैठता है, फिर अगला प्रोडक्ट निकालता है, फिर खड़ा होता है, फिर बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ। तो अब सेल्समैन से रहा नहीं जाता, वो कहता है भाई तू मेरे प्रोडक्ट ले मत ले, खरीद मत खरीद, लेकिन मुझे ये बता कि ये बिल्ली तुझे बार बार क्या समझा रही है। मैं जैसे ही प्रोडक्ट लेकर के खड़ा होता हूँ ये बोलती है म्याऊ म्याऊ, ये क्या बोल रही है तुझे, ये क्या समझा सिखा रही है तुझे। तो वो दोस्त कहता है छोड़ ना उसे, वो तो ऐसे ही है, तेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मुझे दिखा। सेल्समैन का मन नहीं मानता है, फिर भी वो सोफे पर बैठ जाता है। अगला प्रोडक्ट जैसे ही लेकर के खड़ा होता है फिर बिल्ली बोलती है म्याऊ म्याऊ। तो अब उससे उसका पूरी तरह दिमाग खराब हो जाता है, वो बोलता है मैं नहीं दिखा रहा कुछ भी। वो अपने प्रोडक्ट समेटने लगता है, कहता है मुझे कुछ देना नहीं, मुझे कुछ बेचना नहीं है, तू पहले मुझे ये समझा ये क्या कह रही है। तो दोस्त हंसने लगता है, वो कहता है शांति से बैठ, मैं तुझे बताता हूँ कि ये क्या कह रही है। ये बिल्ली जिस सोफे पर बैठी है उसमें कीला निकला हुआ है, और ये उस कीले पर बैठी है, तो जब भी खड़ा होता है ये बिल्ली को वो कीला चुभता है और वो दर्द से बोलती है म्याऊं म्याऊं। अब आपके मन में, सभी के मन में जो पहला प्रश्न आया वो आया, जो पहला थॉट आया वो आया, कैसी बेवकूफ बिल्ली है, वहां से उठ क्यों नहीं जाती, उस कीले पर क्यों बैठी है। दोस्तों आप सब अपने मन को जरा टटोलें, क्या आप लोग ऐसे कीलों पर नहीं बैठे जो आपको चुभ रहे हैं, जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, जो आपको दर्द दे रहे हैं? क्या आपको नहीं मालूम क्रोध कैसा कीला है? आपको नहीं मालूम ईर्ष्या द्वेष कैसा कीला है? आपको नहीं मालूम दूसरे पर ब्लेम करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे को क्रिटिसाइज करना कैसे कीले हैं? क्या आप लोग उन पर नहीं बैठे हैं? क्या आप लोग उन पर से उठने को रेडी हो गए हैं? क्या आप लोग उन कीलों को छोड़ने को तैयार है जो निरंतर आपको चुभ रहे हैं? क्या आप नेगेटिव थॉट्स को छोड़ने को तैयार है? क्या आप नहीं जानते कि जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में क्रिएट होते हैं, जो आप नेगेटिव सोचते हैं, वो दर्द बनेगा, वो आपकी बीमारी बन जाएगा? क्या आप नहीं जानते हैं? क्या आप इन सब कीलों को छोड़ चुके हैं? क्या आपको नहीं पता कि आप क्रोध करेंगे तो आपके जीवन पर क्या असर आएगा? क्या आपको नहीं पता कि आप चिंता करेंगे तो, स्ट्रेस लेंगे तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम सब तो जानते हैं ना, फिर भी हम इन कीलों पर क्यों बैठे हैं? क्या आज आप संजीवनी के साथ इन सब कीलों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो फिर हम आगे की यात्रा पर चलते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट है, हमें सकारात्मक बनाने के लिए, हमारे जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने के लिए, हमारे जीवन को संतुलित बनाने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो है जिम्मेदारी। किसकी? तो जिम्मेदारी हमारी स्वयं की। कीले पर हम बैठे हैं, हम उठ जाएंगे, हमारी पीड़ा कम हो जाएगी, हम उसको हील करेंगे, हम उसका उपचार करेंगे, हम ठीक होते चले जाएंगे। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? हमें जिम्मेदारी स्वयं की लेनी होगी, क्योंकि हम ये बहुत अच्छे से समझ लें कि हम केवल स्वयं को बदल सकते हैं, हम दूसरे को बदल भी नहीं सकते और बदलना भी नहीं चाहिए।
सब अपने अपने कर्म लेकर के, अपने संस्कार लेकर के आए हैं, सबका अपना अपना जीवन है, सबको अपना अपने हिस्से का प्रेम मिलेगा, सबको अपने अपने हिस्से की शांति मिलेगी, सबको अपने अपने हिस्से की दुख और पीड़ा मिलेगी। हमें दूसरे के कर्म नहीं भोगने होते हैं कभी भी। हमें किसके कर्म भोगने होते हैं? हमें स्वयं के कर्म भोगने होते हैं। तो स्वयं के कर्म को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम सकारात्मक बन सकते हैं। हम कैसे सकारात्मक बनेंगे? जब हम जिम्मेदारी स्वयं की लेंगे, हम स्वीकार करेंगे कि हाँ कमी मुझ में है, हाँ मैं जानबूझकर उस किले पर बैठा हूँ, हाँ मेरी पीड़ा की जिम्मेदारी मेरी है, हाँ मेरा जीवन जैसा भी है मेरी वजह से है। जब हम जिम्मेदारी स्वयं की लेते हैं तो हम में पहला बदलाव आता है। वो क्या है? जो पहला बदलाव आता है हमें वो क्या है? हम जब चीजों को स्वीकार करते हैं तो चीजें बदलने लगती है। जब हमें पता है हाँ मेरे हाथ पर घाव हो रखा है, मैं पहले उसको छुपा भी सकती हूँ, मैं उसके ऊपर अच्छे सुंदर फूल पत्तियां चिपका दूं, लेकिन उससे क्या घाव मिट जाएगा? क्या उससे घाव से सुगंध आने लगेगी? नहीं, हमें घाव को खोल करके देखना पड़ेगा, हमें घाव को साफ करना पड़ेगा, हमें घाव की मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, तब वो ठीक होगा। हमें सबसे पहले उसे खोल करके देखना होगा, मतलब हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना होगा और फिर वो अपने आप बदलने लगेगी। जब आपको पता है कि आपके हाथ पर घाव हो रखा है तो आप कितने दिन तक उसको मरहम पट्टी नहीं करेंगे? आप कितने दिन तक उसको लेकर के चलेंगे? जब आपको पता है कमियां मुझ में स्वयं में है, कमी मेरी स्वयं की है, मेरे जीवन की सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर कब तक आप ऐसा सड़ा जीवन जीते रहेंगे? कब तक आप दुखी रहेंगे? कब तक आप अपने जीवन की परेशानियों को चलाते रहेंगे? केवल जानना जरूरी है, सबसे पहले स्वीकार करना जरूरी है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो मानते ही नहीं कि हम कमियां हम में है। वो लोग यहाँ इस क्लास में नहीं है। यहाँ पर जो लोग आए हैं वो साहसी व्यक्तित्व हैं, सारे साहस रखते हैं कि हाँ हम में कमियां है, हाँ हम बदलने को तैयार हैं, हाँ हम बदलेंगे अपने आप को। और यदि आप बदलेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा, क्योंकि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हो जाती है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार करके अपने आप को बदल लेंगे तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, आपकी दृष्टि शुभ हो जाएगी तो आपकी सृष्टि भी शुभ हो जाएगी। तो पहला, सबसे पहले जिम्मेदारी स्वयं की है। हाँ हम बदलने को तैयार है अपने आप को, हाँ हम जानते हैं और हम मानते हैं और हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने आप को बदल लेंगे। हम स्वीकार करते हैं कि कमियां हम में हैं, जो भी आज तक जीवन में हुआ है हमारी वजह से हुआ है। आप सब जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं, तो हम अगली सीढ़ी पर बढ़ते हैं। अब जिम्मेदारी हमने ले ली, अब हम स्वयं को बदलने के लिए तैयार हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले हमें क्षमा प्रार्थना को अपनाना होगा। सबसे पहले जो हम ब्लेम करते आए हैं दूसरों पर, उसके लिए हमें स्वयं को और दूसरों को क्षमा करना होगा। कैसे क्षमा करेंगे? तीन तरीके से हम क्षमा करते हैं, क्योंकि तीन तरीके से ही हम में थॉट क्रिएट होते हैं। सबसे पहले हमें विचार आता है, हमें भावना बनती है। जैसे क्रोध का विचार आया, वो परिवर्तित होकर के कहाँ गया? वो वाणी में गया, शब्दों में गया। अगर आपको क्रोध आया है, आपकी भाषा कैसी हो जाती है आप सब जानते हैं। अगर आपको क्रोध आया है तो अब शब्द मन से वैसे ही निकलने लगते हैं, मुंह से वैसे ही निकलने लगते हैं, हमारी वाणी वैसी ही हो जाती है, अब शब्द गालियां ऐसे हम यूज करते हैं। और तीसरा हमारा क्या होता है? व्यवहार, कर्म, हमारे हाथ उठ जाते हैं सामने वाले पर, हम ऐसे कर्म करने लगते हैं क्रोध में, हम उस चीजों को उठाकर नीचे फेंकने लगते हैं। तो ये हमारा व्यवहार है। ये कहाँ से आया? सबसे पहले हमारे अंदर आया विचार, विचार से आई वाणी, वाणी से आया व्यवहार, और हम इन तीनों ही चीजों से क्षमा मांगेंगे और क्षमा करेंगे।
सबसे पहले हमें स्वयं को क्षमा करना है, क्योंकि यदि हम जिम्मेदारी स्वयं की लेते हैं तो हम जिम्मेदारी स्वयं की लेकर के एक रास्ता है हम स्वयं को परिवर्तित करने में जुट जाएं कि ठीक है मुझे एहसास हो गया गलती मेरी थी, मैं अब इस गलती को सदा के लिए समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। दूसरा, आप गिल्ट में भी आ सकते हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो हमेशा ही गलती करता हूँ, मुझे तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, ये आप गलत रास्ते पर चले गए। अगर आप गिल्ट में चले जाते हैं तो गिल्ट पश्चाताप से ज्यादा बुरी ऊर्जा किसी भी चीज की नहीं है। अगर आप गिल्ट में चले जाते हैं तो गिल्ट ना आपको परिवर्तित होने देगा और गिल्ट आपको बस केवल नेगेटिव ऊर्जा में रखेगा। ये प्रायश्चित नहीं है, प्रायश्चित की ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, पश्चाताप की ऊर्जा अच्छी नहीं होती है। क्योंकि क्या होगा, ये एक विशेष सर्किल है कि पश्चाताप हम करेंगे तो किसी को हमने बुरा बोल दिया थोड़ी देर के लिए, मैं कितना बुरा हूँ ना, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, ये वो अपने आप को गिल्ट में डाल दिया। थोड़ी देर बाद किसी और चीज में हम मन लग गया, भूल गए, फिर हम 2 दिन बाद फिर वही गलती करेंगे और बार 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 हम वही गलती करेंगे। लेकिन जब हम प्रायश्चित फील करते हैं कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन अब जीवन में मुझसे ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, मैं अपने आप को बदलूंगा, मैं अपने आप को चेंज करूंगा, और जब हम ये प्रायश्चित का भाव ला करके ये संकल्प के साथ अपने आप को बदलते हैं तो ये प्रायश्चित का भाव होता है। गिल्ट फील नहीं करना है, गिल्ट के लिए स्वयं को माफ करना है, क्षमा करना है। जो भी पुरानी बातें हो गई हो गई, कोई बात नहीं, उस समय समय हमारा संपन्न हो रहा है संजीवनी जी, हम इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे, और जो ध्यान जो प्रैक्टिकल आप करवाना चाहती थी हम चाहते हैं वो आज हम शाम के सत्र में, आज इसका दूसरा एक चरण एक लेवे, और आज शाम को 9 बजे जिनके प्रश्न अभी भी कई साधक साधिका उन्हें हैंडराइज किए हुए हैं तो प्रश्न भी है, और इस सत्र को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आज रात को 9 से 10 हम दोबारा मिलना चाहते हैं, तो आप सभी यस लिखिए अपने चैट बॉक्स में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यस लिखिए ताकि हम इस सत्र को कंटिन्यू कर सके आज रात को 9 से 10। अभी हमारी 2 बातें और ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें बची हुई है, तो आप लोग जो भी इसको कंटिन्यू जानना चाहते हैं कि हम परिवर्तित कर लें अपने आप को और फिर आगे सकारात्मक कैसे बने रहें, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट 2 बातें अभी जरूरी है। यस यस यस, देखिए सभी के यस आ रहे हैं, तो आज का सत्र हम कंटिन्यू करेंगे शाम को 9 से रात को 9 से 10, इसी आईडी से आपको रात को भी जुड़ना है, और अपने परिजनों को भी रात को जोड़िए, दिन के समय बहुत लोग व्यस्त रहते हैं, काम रहता है, तो रात को सब फ्री है, 9 से 10 का टाइम फ्री भी रहेगा, तो आज रात को 9 से 10 इसी चर्चा सत्र का दूसरा सत्र लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज का सेशन हमें यही रोकना चाहेंगे, तो समापन की ओर चलेंगे। अभी हम अभी 2 बातें और बताने वाले हैं, साथ में आप प्रैक्टिकल भी करेंगे आज रात को, प्रैक्टिकल मेडिटेशन का ध्यान भी हमें करवाएंगी संजीवनी जी, तो अभी समापन की ओर चले। जिनके प्रश्न रह गए हैं हैंडराइज है तो आप शाम के सत्र में प्रश्न अपना ले लीजिएगा। ओम अरहम, दोनों हाथ जोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अशोक जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को और स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा रोज। हर देखिए है, हम रोज तो 1 घंटे का डोज लेते हैं, आज हम 2 घंटे का डोज लेने वाले हैं। 1 घंटे का अभी मिल गया है और 1 घंटा हमारा शाम को, तो आज डबल डोज मिलने वाला है। डबल डोज के लिए तैयार रहिए। ओके, ओम अरहम, ओम अरहम। तो आज का सेशन भी एंड करें, रात को 9 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू संजय भाई जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।